रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ जोगीपुरी में आज थर्ड डे है प्रोग्राम का और तीसरा दिन ये आप देख रहे हैं गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, एक के पीछे एक गाड़ियाँ जा रही हैं, यानी प्रोग्राम से लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। कल लास्ट दिन होगा और वो पूरा कल का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह आपको पूरा लाइव दिखाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो करीब के लोग हैं वो मोटरसाइकिल वगैरह से भी यहाँ पर आ जाते हैं और जो दूर के लोग हैं वो कार से, बसों से और दीगर अपने वाहनों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। ये पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो आप देख सकते हैं कितने भारी वाहन हैं और पार्किंग एरिया पूरा फुल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन का भी पूरा पूरा इंतजाम किया गया है ताकि शांति बनी रहे और यहाँ पर बैरियर लगाकर पूरा एक दूसरे की व्यवस्था भी की जा रही है। ये गाड़ियों का पार्किंग देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं इस प्रोग्राम में और इस क्षेत्र का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। दूर दूर से यहाँ पर बसें आती हैं और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यहाँ पर लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं तमाम तरह की गाड़ियाँ, एक से एक बढ़िया गाड़ी और एक से एक महंगी गाड़ी भी यहाँ पर धूल चाट रही है क्योंकि ये एक धार्मिक प्रोग्राम है। आप देख पा रहे हैं काली गाड़ी का भी कलर सफ़ेद हो चुका है और बहुत ही, एक मिनट सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से? नौगावा सादात से। तकरीबन कितना दूर होगा यहाँ से? तकरीबन ढाई तीन घंटे का। अच्छा अच्छा, वहाँ से बसों की व्यवस्था है यहाँ? अच्छा, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है थोड़ा सा बताइए? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से और हर साल होता है। अच्छा अच्छा, आपका नाम और बता दीजिए हमारे साथ। हुसैन असगर साहब, ये हमारा BSC चैनल BSC जारचा यूट्यूब चैनल है, इसमें आपका खैर मकदम है और इस समय आप लाइव हैं तो ये बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये देख पा रहे हैं आप तमाम तरह के यहाँ पर व्यवस्था की गई है और देखिए हमारे प्रशासन के भी यहाँ पर पूरे पूरे हजरात मौजूद हैं, मुस्तैद हैं और बहुत ही शांति प्रिय ढंग से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं एक से एक बढ़िया बेहतरीन गाड़ी यहाँ पर आई है और वो यहाँ पर जायरीन ज़्यारत करके मजलिसों में शामिल होकर, जुलूसों में शिरकत करके और मौला के दरबार में हाजिरी करके अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं और अपनी मन्नत मुरादें पाते हैं। आप देख पा रहे हैं आलिया नगर पे हम जोगीपुरा के दूसरी साइड में यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है और तमाम गाड़ियों को यहीं बैरियर लगाकर रोका जा रहा है, इससे आगे गाड़ी नहीं जा रहे हैं। छोलस के कुछ मौजूद हजरात यहाँ पर दरगाह आलिया नगर पे हम जोगीपुरा में अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए आए हैं और मौला इनकी तमाम मुरादों को पूरा करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन आप देख पा रहे हैं शेर दरवाजे की तरफ से ये तमाम मार्केट, तमाम खाने वगैरह के सामान और ज़रूरती अशियाएँ जो एक आम इंसान को आम दिनों में ज़रूरत पड़ती है उनका यहाँ पर अहतमाम किया गया है। तमाम तरह के शीरनी वगैरह और दीगर तमाम वो अशियाएँ जो मोमिनीन को ज़रूरत होती है रोज़मर्रा में वो यहाँ पर सब लगाई गई है। और ये आप देख पा रहे हैं तमाम आगे इधर खेमे और ये सामने गुंबद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये शेर दरवाज़ा जिधर से पूरा टेंट वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ से बहुत बेहतरीन नज़ारा। शाम का वक्त है, लगभग 6 बजे का वक्त हो चुका है और अभी सूरज धीरे धीरे मध्यम होता हुआ, लेकिन उसकी शुआएं मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की गुंबद पर सुनहरी रंग को और चमकाते हुए आप देख सकते हैं। और ये तमाम यहाँ पर खेमे
और मकानात वगैरह बने हुए हैं और पंडाल में बदस्तूर एक के बाद एक मजलिस अज़ा मातम नौहानी का सिलसिला जारी है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन रोज़ा नज़र आता हुआ और इसके दाईं तरफ आप देखेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त नगर निगम भारत सरकार का उपक्रम और CSR योजना के तहत ये सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार बनाया गया है। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ पर दिखता हुआ और ये आप देख पा रहे हैं शाम का बहुत ही बेहतरीन दृश्य नज़ारा जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।